देश में अब तक 1,16,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 40,715 संक्रमण के नए मामले मिले हैं, वहीं 199 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में 2,010 नए कोरोना के मामले सामने आए, 677 मरीज ठीक हुए, वहीं 24 घंटे में 5 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 25,00,000 के पार पहुंच गई, अब तक कोरोना से 53,589 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,101 नए मामले सामने आए हैं और 620 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 28,699 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में 132 मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,437 नए कोरोना केस सामने आए हैं, 902 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 9 की मौत हुई है। दिल्ली सरकार ने त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी। पंजाब में 24 घंटे में 2,274 नए कोरोना केस सामने आए, यहां 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,730 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,255 मरीज ठीक हुए और 4 की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 56,076 नए मामले सामने आए, वहीं 829 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में 24 घंटे में 84,296 नए कोरोना केस सामने आए हैं, वहीं अब तक 2,98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।